हेलो गाइस, वेलकम टू नीरज का व्लॉग। बहुत दिनों बाद मैं आज व्लॉग बनाने वाला हूँ और आज का इस व्लॉग का टॉपिक है द ब्लैक फिश रेसिपी। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक रेसिपी बनाने वाला हूँ जो कि बहुत इजी है और आप में से इसे कोई भी बना सकता है घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मछलियाँ अभी आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। अभी हम जल्दी से इन सबको पैक करते हैं और चलते हैं रेसिपी बनाने। तो गाइस, सारा सामान पैक हो गया है और अभी हम चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की ओर। तो गाइस, मैंने अभी अभी मेरे कज़न को कॉल किया था और वो भी घर पे फ्री था, इसलिए मैंने उसको भी बुला लिया। अब वो भी हमारे साथ चलेगा। तो गाइस, हम जंगल में पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल है। जल्दी से हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे और आपके लिए एक टेस्टी सी रेसिपी बनाएंगे, तो व्लॉग देखते रहना। गाइस, ये जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम 20 मिनट से लगातार चलते जा रहे हैं। हम अपने डेस्टिनेशन के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। जिस किसी ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, नहीं तो पहले के व्लॉग देखे होंगे, उनको ये जगह याद रहेगी। गाइस, हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन के पास और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है नज़ारा। उड़ा रहे हो इधर? तो गाइस, अभी हम यहाँ पे आग जलाने वाले हैं और उसमें हम मछलियाँ रखेंगे और फ्राई करेंगे उनको। तो गाइस, अभी हम इनको क्लीन करते हैं और बनाते हैं हमारी रेसिपी। मान गया हो पहली। तो गाइस, मछलियां क्लीन हो गई है जैसे कि आपने देख लिया। वहां पे एक हमारी मछली गिर भी गई थी लेकिन मैंने उसे निकाल दिया बाहर। सो अभी जल्दी से चलते हैं, इनके अंदर स्टफिंग करते हैं और इन्हें फ्राई करते हैं। आओ मेरे साथ। तो गाइस, अब पहले हम ये मिर्ची इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर, इसे पूरा अंदर तक स्टफ कर देना है। तो गाइस, अभी हम इसके ऊपर नमक डालेंगे, अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे से नमक। तो गाइस, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और यहाँ पे हमने पूरी तैयारी कर दी है। अभी जल्दी से इनको फ्राई कर देते हैं, यहाँ पे आग लगा देते हैं। गाइस, कुछ ही देर में बन के रेडी हो जाएगा और मैं फिर आपको ये टेस्ट करके इसका स्वाद बताऊंगा। तब तक हमारे साथ बने रहे। तो गाइस, डिश बन चुकी है, आओ इसे खाते हैं और टेस्ट करते हैं। परफेक्टली कुक्ड। गाइस, इतनी मेहनत करने के बाद ये टेस्ट इतना अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं तो जस्ट इसे खाते ही जा रहा हूँ। मैं आपको इसका टेस्ट बता नहीं सकता, इतना अच्छा है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।